गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए आज मैं और डिम्पी का मौसम आ गया है मैट्री बाग। देखते हैं आज आप सबको मैट्री बाग घुमाती हूँ। और हम वैसे तो हम पूरी फैमिली आए हैं, लेकिन बाकी लोग प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण सुनने गए हैं और हम लोग आ गए हैं मैट्री बाग। संडे भी है और मौसम कितना सुहाना भी है और बहुत बारिश भी है। रास्ते में आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। भिलाई की मैट्री बाग और आप सबको हाथी दिखाती हूँ। हाथी कितना बड़ा, देखो क्या हो गई थी, डर गई और उसने बंदर को कैसे डरने में इसको लगा सच का हाथी हो गया। ओह माय गॉड, ये देखो हाथी दिख रहा है, ये देखो। और इधर भी हाथी है, ऐसे बनाया गया जैसे कि जगह जगह पे सच का रियल का हाथी है। रात को लग जाएगा सच का रियल का हाथी है बच्चों को। तो ये देखिए आज आप सबको पूरी तरह से अच्छी से मैट्री बाग दिखाऊंगी। मैं बहुत छोटी थी, इसकी जितनी थी ना तब आई थी मैं और साल का था तब। अरे वाह, देखो दोनों का किस्मत देखो। मैं भी ऐसी बहुत छोटी थी तब आई थी और ये भी पता नहीं उसी दिन तो नहीं आ रहे होंगे लेकिन दिखे नहीं होंगे इतने बड़े मैट्री बाग में। वैसे आप कौन किस मतलब मैं ना गर्मी के दिनों में आई थी आप। हाँ तो गर्मी छुट्टी में तो आए। अरे वाह, ये देखो कितना मिलता है ना हम लोग का। तो ये भी गर्मी के दिनों में आए थे, मैं भी गर्मी के दिनों में आई थी। लाए थे ट्रेन चढ़ा के। हाँ, खास मैट्री बाग घुमा नहीं, जानवर देखने के लिए है ना। तब मैं भी आई थी खास उस के लिए। फैमिली के कोई रहते थे उनके उधर सीमा के चाचा जी थे वो। तो हम जिला तरफ नहीं जाएंगे क्या? तो पहले घूम लें, घूम लेते हैं। चलो फिर आज आप सबको पारी पारी से दिखाती हूँ। आँख बंद करो, आँख में आ गया। हाँ अब उठ गया ना, ये देखो लाल लाल हो गया। चलो वो यहाँ पे नाव चल रही है, वहाँ छोटा सा लक्ष्मण झूला जैसे यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी हम लोग उससे जाएंगे भी। और इसे देखिए कपल लोग कैसे बैठे हुए हैं। और ये देखिए, और वो क्या है यार, जूम करके दिखाऊं कि आप सबको। ये देखिए ये कुछ ऐसा बना हुआ है, शायद वहाँ से पानी वानी आ रही होगी। यहाँ फिर से खुद से चलाने वाला नाव है और पता नहीं मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं खुद चलाना खुद उठना क्योंकि इतना दर्द होता है ऊपर से जींस पहने रहो ना बहुत दर्द होता है। लोअर में कंफर्टेबल लगे। हाँ, और आज तो जींस पहन के आए हो आप। अच्छा नज़ारा है लेकिन क्या मतलब बताओ ना, यहाँ पे ताला लगा दिए है और तालाब का पानी देखो गहरा है यार। ये देखो उधर बोटिंग चल रही है और ये देखो छोटा सा और वहाँ पास और एक बीच में। और इधर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, इधर देखो है ना। अरे जाम का पेड़ है, नारियल का पेड़ था लेकिन इधर ताला लगा दिए हैं, क्या कर सकते हैं। अब इधर आगे जाकर देखते हैं। हम लोग जब GFBF थे तब हमको आना था, हम तो कभी आए ही नहीं। इतना सुंदर था है ना, मिस कर दिए यार तेरी कैसे मिस कर सकते हैं जी हम लोग। ये पल ये मोमेंट हम लोग मिस कर दिए। देखते हैं मैट्री बाग के अंदर में यहाँ पे कैंटीन जैसा है, सब चीज़ मिलता है। और ये समोसा भी ले लिए, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना डबल रेट लगाते हैं। जैसे कि बाहर 25 रुपए प्लेट रहता है तो अंदर बहुत उससे डबल हो जाता है, तो यहाँ तरह ना वही रेट लगाया है, 20 रुपए का 2 समोसा दिया, मतलब ठीक ठाक रेट लगाया है, कोई ज़्यादा रेट नहीं लगाया है। तो हम सबसे पहले जाएंगे हिरन देखने, आप सबको दिखाऊंगी। ये देखो चिड़ियाघर आपका स्वागत करता है, तो आप सबको चल के दिखाते हैं। हम इस तरह से जू घर पर एंटर करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। चलो जी, तो इधर चिड़िया मिठू हर चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो आप सबको बारी बारी से दिखाते हैं। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चू चू सुन रहे हो। इसी पहले समोसा खाना है। ये देखो डिंकी कैसे समोसा खा रही है और इसके मौसम मिर्च लेकर आ गए हैं। चलो खाओ, एक मुझे तो कैसे दबा के रखे थे तोड़ डाले हो। तो इसमें है लव बर्ड, देखिए ऐसी सेम मिठू हमारे घर के पीछे आम पेड़ पास आते हैं ना, उसका पूछ बहुत छोटे छोटे रहते हैं। कोकाटिल, कोकाटिल है वो अलग कलर वाली कोकाटिल है और ये वाइट और येलो वाली कोकाटिल है और ब्राउन है।
उसके ऊपर भी है, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है ना। इस सामने में मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। ओ माय गॉड, ये तो हमारे घर जैसा है जी। वाओ, कितना बड़ा बड़ा है। ये देखो लुपी डुपी आ गई, कितना बड़ा बड़ा है। ये देखो, ये दोनों है, बहुत बड़ा वाला है। ये दोनों, ये जो ये दोनों बैठी है ना, कपल है, बहुत बड़ा है। देखो ये कपल बैठी हुई है, ऐसी हमारा भी है। एक ऐसी वाला, एक ऐसी वाला, हमारा भी कपल है वाला है। जाली में ठीक से नहीं। ये उल्लू का इतना बड़ा प्रजाति मैं पहली बार देख रही हूँ। कितना बड़ा है, आप सबको इतना खूबसूरत हंस दिखा रही हूँ। इतना बड़ा वाला मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ, और शायद आप लोग भी अपनी लाइफ में पहली बार देखोगे। ये देखो है ना, कितनी बड़ी। ओह माय गॉड, इसकी चोंच तो मेरी प्रिय खाद जितनी लंबी है, और ये पूरे डिम्पी से भी बड़ी है। देख सकते हो, डिम्पी से डबल है वो। माय गॉड, इतना पूरा मोबाइल से, मोबाइल में बड़ा चीज छोटा दिखता, छोटा छोटे थे। वो रोजी पे निकल है, और एक ग्रे पे निकल है, और इधर देखो हिरन खूब सारा, बारिश में सब अंदर घुस जा रही है। ये देखो है ना, और ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ हम पेड़ के छाँव में है, तो पानी कम आ रही है, फिर भी चलो हमको उधर जाना है छाँव पे, क्योंकि बारिश होगी हम गीली हो जाएंगे पूरी तरह से, और फिर तबीयत खराब होगा। चलो मछली। ये देखो मछली ले ली है। अरे वाह, मस्त पकड़ा ना। ये नहीं है यार, बता। मस्त मछली खाए, देखी ना शिकार करते हुए, और मछली खाएगा देखो ना अंदर जाके। देखो खाते ही पोटी भी कर दिया बदक पानी में ही। लेकिन ना पकड़ा कैसे, और पकड़ेगा दिख रहा है क्या देखना, और पकड़ेगा देखना ना। ये देखो देखो, ये देखो देखो कैसे निकाल लिया। नहीं मिला, नहीं मिला। अब दिख रहा है उसको, दिख नहीं रहा था वो नदी में रहा। अब सभी में उतरेगा क्या। और ये देखो चीता, ये देखो, और वो व्हाइट वाला शेर देखो, व्हाइट वाला शेर। अरे चीता है ना, को देख के कैसा लगा, शेर चीता। हाँ ये देखो, ये रहता है चीता, और उधर व्हाइट शेर है जो अंदर घुस गई अभी। यहाँ मैं सोची नहीं थी इतना सारा जानवर होगा, लेकिन बहुत सारा जानवर है। चीता है, शेर है, टाइगर है, और इसको क्या सांभर बोल रहे हैं, ये सांभर है। और उधर ना व्हाइट वाला हिरन है, उधर नेचुरली वाला हिरन है। मतलब हिरन भी तीन प्रकार का, तीन खंड पे रखा गया है। आप लोग को पूरा नहीं दिखा पा रही, कोई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखो ये खुली में है, कितनी अच्छी लग रही है। आप कैसा करके दिखा रही हूँ, खाती हूँ जूम करके। इसे बोलते हैं सांभर, जो शेरनी है। बाबा शेरनी है, टिंपा बोले तो मछली बाग बैठ गया है। देखो वहाँ पे, आप सबको जूम करके दिखाऊं। ये देखो इसके अंदर भालू है, जो अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है। काश बाहर निकल जाए तो डिम्पी देख ले, नहीं निकल रही है। चल तेरे किस्मत में नहीं था रे भालू को पूरा देखना रे, नहीं निकल रहा है रे भालू। निकल जा भालू, उसका मुंह भी नहीं दिख रहा, इतना अंधेला में बैठा हुआ है। देखो क्या कर रहा है अपने पैर से, नहीं दिख रहा है क्या कर रहा है अपने पैर से यार, एकदम इंसान जैसे कुछ तो कर रहा है ना। चूहा है, ये खरगोश है, और ये कबूतर है। देखो उधर और खरगोश है रे, कबूतर बाबू चलाओ। ये देखो खरगोश, अरे बाप रे, ऊपर में क्या पक्षी बैठी हुई है। ये भी क्या है, बाज है क्या। अच्छा चील, चील। एकदम इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, कलर इसका कितना प्यारा लग रहा है देखो। वाह क्या कलर है ना। बंदर पॉपकॉर्न खाता है ना, ये देखो पास से देख ले बंदर, पास से नहीं देख लिया कभी। हाथ निकाल रहा है बाहर, लेडीज वाले प्रजाति का बंदर रहता है। और हमने इस वक्त बंदर कर दिया।
गंदू बंद वो ऐसी रहता है ना अमनेश्वर का, ऐसी रहता है छोटे छोटे से हमारे सेट का बंदर। अरे वाह, अरे वाह, कैसे पकड़ लिए, फिर भी कैसे कर रहे। इससे बारिश स्टार्ट हो गई है कसम से, आज अच्छे से घूमने नहीं दे रही है, लग रहा है बारिश हमें मस्त आधा घंटा तक ठीक था तो अच्छे से घूम लिए, अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है ना जी। कैसा लगा डिम्पी सब चीज देख के, शेर, भालू, हिरण, लोमड़ी, सियार, सब जानवर देखे, सब पक्षी देखे, मजा आ गया। मतलब मैं पहले क्यों नहीं आई थी, इतनी छोटी थी तब आई थी, और मेरे हस्बैंड भी इतने ही छोटे थे तब आए थे। और देखो हमसे मतलब इतना टाइम से मैं मैट्री बाग तो घूम ली थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं छोटी थी तो कौन सी जगह मुझे याद है, लेकिन फाइनली मुझे एक जगह याद आया जब मैं छोटी थी तो इसमें चली थी, तीन फ्लोर है और मैं बहुत छोटी थी इसकी जितनी, तो हम लोग अब पहले ऐसे घर नहीं हुआ करता था, बिल्डिंग वाला तो तीन मंजिल इतना ऊपर लगता था कि बड़े पापा इस साइड खड़े रहते थे और छोटा सा दिल नजर आता था, ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी, बहुत तब की बात है। उसके बाद कुछ डर नहीं, तो आप इसमें चले थे कि नहीं थे जब आए थे, तो चले हो आप? तो मैं भी तो चढ़ी थी, लेकिन अब नहीं चढ़ेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, चलेगी दिन किस पर घर बस है, तो ये देख सकते हैं यार है। तो देखो इतना देर से बस यही बस याद आया, इसके अलावा और कुछ याद नहीं आया, क्योंकि सब चेंज हो चुके हैं, कई साल हो गए ना, 15-20 साल हो गए हैं शायद तब की आई थी, मैं बहुत छोटी थी। तो ये देखो डिम्पी पैदल चल चल के थक गई, क्योंकि हमारा जो मैट्री पार्क का जो गार्डन है और जो घर है इतना बड़ा था ना कि मेरी बेटी इतना देर तक चली, अब थक गई, वापस लौट रहे तो मैं इसे पा ली हूँ। कैसा लग रहा है मौसी की गोद में? नहीं पता। अरे तेरे नहीं पता वाला धंधा को छोड़ भाई, ये देखो मेरे हस्बैंड मेरा पर्स ले लिया है। पकड़ो जी, एक बार बस वो किया था, उसके बाद मेरे को फिर से मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे और जब मोबाइल ऑन करके रख दी तो छोड़ दिए। ये वाला गार्डन चले क्या एक बार बताओ, कैसा लगता है मेरे बिना जाना? बहुत बेकार लगता है, बड़ा मुश्किल से मैं जाता हूँ। ओ जान, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट बार बोल के यही बीत जा रहा है मेरा सारा दिन, सारा साल बीत जा रहा है। 2023 का पूरा साल क्या करें, जरूरी भी है। ये वो बना के चिड़िया बना रहे हैं, चिड़िया का तो बना रहे हैं, चिड़िया इसको मयूर बनाया है, देखो हमारी डिम्पी का जो है धोसा आ गई है, और देखो डिम्पी कितना बड़ा है, तेरे जितना बड़ा है ना, तो चलो खाओ। तो ये देखिए हमारा डोसा आ गया, इतना बड़ा डोसा फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं ना जी, तो टेस्ट करके खाते हैं। समोसा का आलू जो बचा दी है, दिखाओ इधर, चलो खाओ खाओ, उधर दिखती नहीं दिखती हमारी।